नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी के एक महान कवि जिनका नाम है बिहारी, और इनको बिहारी लाल भी कहा जाता है। इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जो बिहारी कवि हैं ये रीति काल के रीति सिद्ध शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनको हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने वाले कवि के नाम से जाना जाता है। तो गागर में सागर भरने वाले कवि कौन हैं? बिहारी लाल। बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर में यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। गागर में सागर भरने वाले कवि हैं बिहारी लाल, यानी कि इन्होंने कम शब्दों में अधिक कह दिया है। यानी कि इन्होंने अपने दोहों में, दो लाइन के दोहों में कई सारी बातें कह डाली हैं, इसीलिए इनको गागर में सागर भरने वाले कवि कहते हैं। रीति काल की रीति सिद्ध शाखा के प्रमुख कवि हैं जो बिहारी लाल हैं। दोस्तों, ये हिंदी साहित्य के रीति काल की रीति सिद्ध शाखा के प्रमुख कवि हैं। बिहारी ससई एकमात्र रचना है इनकी, यानी जो बिहारी कवि की रचना है उनका नाम है बिहारी ससई, जो उनकी एकमात्र रचना है, जिसमें कुल 719 दोहे समाहित हैं। बिहारी की कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। दोस्तों, जो बिहारी की कविताएं हैं इनमें हमें श्रृंगार रस अधिक रूप से देखने को मिलता है। बिहारी के दोहे नीति परक हैं, यानी कि बिहारी के दोहों में हमें श्रृंगार रस तो देखने को मिलता ही है, साथ में नीति की बातें भी देखने को मिलती है। बिहारी लाल के गुरु का नाम है केशव दास। केशव दास भी रीति काल के कवि हैं और बिहारी भी रीति काल के कवि हैं। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, तो बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला कवि कहते हैं। बिहारी जय सिंह राजा के दरबार में कार्य किया करते थे, कविताएं रचा करते थे। तो इनके प्रिय राजा का नाम है जय सिंह। जय सिंह जयपुर के राजा थे। गागर में सागर भरना, यानी कि जो बिहारी हैं इन्होंने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े में ज्यादा कह देना। कवि बिहारी हिंदी साहित्य के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने दोहों में जीवन के गूढ़ रहस्यों को भर दिया है। दो पंक्तियों के दोहों पर पूरी पुस्तक लिख सकते हैं हम, यानी कि इनके दो दो पंक्तियों के दोहे हैं, इन पर हम पूरी की पूरी पुस्तक लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं। सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, यानी कि जो सतसैया के दोहे हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अगला हम देखते हैं कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, यानी कि कनक कनकते सो गुनी, यानी कि कनक और कनक में, यानी कि सोने में और धतूरे में बहुत ज्यादा नशा होता है। एक को खाकर पागल हो जाते हैं, एक को पाकर पागल हो जाते हैं। इन्हीं खाए बोराए नर, इन्हीं पाए बोराए जग। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।